आइए तो आज बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, नया टॉपिक है। इससे पहले हमने डिमांड देख लिया, इलास्टिसिटी देख ली। देखिए आपके जो बुक BCom Part 1 जो LMNU ने चलाया है, LMNU यूनिवर्सिटी, उसमें जो भी टॉपिक है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास देख सकते हैं आप गैस पेपर है, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने वहीं से उठाया, कोई अलग नहीं है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। इनपुट, हमने कोई भी इनपुट लिया उसमें कुछ एक्टिविटी की, हमने कोई इनपुट लिया उसमें कोई एक्टिविटी की, हमने उससे क्या निकाल दिया, आउटपुट। इनपुट लेकर हमने एक्टिविटी की, हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया उससे कुछ एक्टिविटी की, हमने उसे छीला, उसे मशीन में डाला और फिर उससे आउटपुट निकल गया पेंसिल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया, तो आप आई होप आपको समझ आया प्रोडक्शन क्या है। हम कोई इनपुट लेते हैं, उस पर एक्टिविटी करते हैं, आउटपुट हमें मिल जाता है। तो इनपुट जो है इनडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता, बट आउटपुट इज डिपेंडेंट। किस पर? आउटपुट इज डिपेंड अपॉन इनपुट। इतना आपको क्लियर हुआ? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट, वही चीज़ लिखा हुआ है। आउटपुट इज डिपेंड अपॉन इनपुट, Q0 आउटपुट इक्वल टू फैक्टर अफेक्टिंग Q1। तो ये फैक्टर कौन कौन हुए? देखिए फैक्टर के कोई भी प्रोडक्शन आप करेंगे तो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, पर लैंड नहीं भी लिए तो ये सब फैक्टर है प्रोडक्शन के। आयोग अपने आप जानते हो, कैपिटल है, एक्सपेंडिचर। खैर इस पर बातें आप नोट डाउन कीजिए। इतना देखिए ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमने आप जो देखा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इनपुट और आउटपुट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट रन में एक लॉन्ग रन में, आपको याद रखना है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन फैक्टर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट, आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होते हैं। आइए बात करते हैं शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। देखिए ये MCU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रन जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग रन प्लानिंग होरिजिन है, लॉन्ग रन प्लानिंग होरिजिन है। शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल जो है आपका पूंजी वो फिक्स होता है और अदर रिसोर्स वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल लेबर अदर रिसोर्स वेरिएबल होता है, लॉ जिसे कि शॉर्ट रन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपको पूछेगा एग्जाम में, शॉर्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन बोथ नन ऑफ द एबव, तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग रन मतलब प्लानिंग हम करते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का पार्ट है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन, आपको समझ में आ रहा है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इसमें जो है जितनी फैक्टर वेरिएबल, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि सर हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास प्लानिंग करने का समय, तो हम सब कुछ अरेंज कर लेंगे, बट कैपिटल फिक्स रहता है। शॉर्ट रन का टाइम हमें कम समय है तो कैपिटल अरेंज नहीं हो सकता, तो कैपिटल जो है फिक्स होगा, बट रिसोर्स अदर रिसोर्स आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन को लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल कहा जाता है। अब इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, यही टॉपिक था, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, नोट बनाइए। देखिए कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूम्शन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, पहला प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये जान रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्मॉल टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, ये याद कर लीजिए। टेक्नोलॉजी जो है सेम पीरियड ऑफ एनालिसिस, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, टेक्नोलॉजी सेम रहेगा। प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ एज्यूम करना होगा हमें कि प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफिक टाइम में होगा, टेक्नोलॉजी सेम होगा, फर्म अंडर द यूज ऑफ बेस्ट एंड स्पेसिफिक इफिशियंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फर्म इफिशियंट टेक्निक, अच्छा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिज स्मॉलर यूनिट, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज एज्यूम दैट फर्म हैज ऑलरेडी एट एन ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कुछ एज्यूमशन है जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।